गुड इवनिंग व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अद्विकाज वर्ल्ड। आज का मेरा टॉपिक है छोटे बेबीज में डायपर रैश का हो जाना। देखिए, छोटे बेबीज में डायपर रैश का होना ना बहुत कॉमन माना जाता है। वैसे तो सुनने में ये बस एक रैश सा लग रहा है, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और समय पे आप इसको अगर ट्रीट नहीं करोगे ना तो ये बड़ा इन्फेक्शन का रूप भी ले सकता है। वैसे स्टडी कहता है 99% केसेस में छोटे बेबीज को ना पहले 3-4 महीने में एक बार डायपर रैश जरूर होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं कवर करने जा रही हूँ कि छोटे बेबीज को डायपर रैश क्यों होता है, होने पे आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और कौन से केसेस में आपको इमीडिएट डॉक्टर से कंसल्ट करना है। आई होप आपके लिए मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल कि बेबीज को डायपर रैश क्यों होता है, तो इसके 4 प्रमुख कारण होते हैं। पहला कारण होता है अगर बेबी का बेबी का डायपर ना बहुत देर तक गीला रह गया। देखिए, आप जब भी बेबीज के लिए डायपर यूज़ करो, कोशिश करो अच्छे क्वालिटी का डायपर यूज़ करने का, लेकिन अगेन ये आपके अफोर्डेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आजकल मार्केट में बहुत अच्छा अच्छा डायपर आ गया है। से हगीज़ और पैम्पर का आप देखोगे, मैंने अपने बेबी के लिए यूज़ किया था प्रीमियम केयर डायपर, उसमें वेटलाइन इंडिकेटर होता है, वो जब येलो से ब्लू टर्न हो जाए तो आपको इमीडिएट डायपर चेंज करना होता है। लेकिन अगर अफोर्ड नहीं कर पाते हो तो आप अपने बेबीज़ के लिए जो भी डायपर यूज़ कर रहे हो तो कोशिश करो कि वो बेबी बहुत देर गीला डायपर में ना रहे। आपको डायपर टाइम पे चेंज करना है, इससे गीले डायपर से बेबीज़ को रैशेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा होता है कि अगर आपके बेबी ने पॉटी कर लिया और आपको पता नहीं चला तो इससे भी रैशेज होने के चांसेस होते हैं। देखिए, बेबी का सुसु पॉटी ना बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है और वो बहुत देर तक स्किन के कॉन्टैक्ट में रहेगा ना तो बेबीज़ के रैशेज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरा है कि बहुत ज़्यादा टाइट डायपर से, देखिए बेबी को ना आपको टाइट डायपर पहनाना है ना लूज़ डायपर पहनाना है, एक साइज़ बड़ा डायपर लीजिए। क्योंकि अगर आप टाइट डायपर पहनाओगे तो उस एरिया में ह्यूमिड एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा जिससे रैसेस बढ़ते हैं, और अगर आप लूज़ लोगे ना तो बेबीज़ के लीकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए आप हमेशा राइट साइज ऑफ डायपर चूज़ करो। चौथा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, इससे भी बेबीज़ के रैशेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये 4 प्रमुख कारण हैं। अब है मैं बात करूंगी कि बेबीज़ को रैशेज होने पे आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो पहले बात करूंगी क्या करना है आपको जब बेबीज़ को रैशेज हो जाए। तो पहला, जब बेबीज़ को रैशेज हो जाए ना तो आप कोशिश करो जितना बेबीज़ को आप डायपर फ्री रख सको, क्योंकि जितना ज़्यादा स्किन हवा के कॉन्टैक्ट में आएगा रैशेज हील होने में उतना ज़्यादा हेल्प मिलेगा। लेकिन अगेन, आप वर्किंग पेरेंट्स हो या पैसा नहीं कर सकते, आप बेबी को बाहर लेके जा रहे हो, तो प्लीज़ आप राइट क्वालिटी ऑफ डायपर, अच्छे क्वालिटी ऑफ डायपर में इन्वेस्ट करिए और हर 2-3 घंटे में डायपर चेंज कर लीजिए। इससे भी आपके बेबीज़ को ना बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। दूसरा, आप प्लीज़ जब आपके बेबीज़ को रैशेज हो जाए ना, वैसे भी आपको ध्यान रखना है, बट रैशेज में ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर आपका बेबीज़ का लूज़ मोशन है या वैसे भी आपको चेक करते रहना है कि आपका बेबी पॉटी तो नहीं कर लिया, क्योंकि उसको ज़्यादा देर पॉटी में रहना ही नहीं, रैशेज है तब तो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तीसरा है कि जब भी आप बेबीज़ को डायपर पहना, एक डायपर खुला के दूसरा डायपर इमीडिएट मैट पहनाओ, एक डायपर खुलाओ, फिर वॉर्म वाटर से उस एरिया को अच्छे से कॉटन क्लॉथ के साथ क्लीन करो, बहुत जेंटल वे में क्लीन करो, उसके बाद उसको एयर ड्राई होने दो, फिर आपको रैश क्रीम या कोकोनट ऑयल लगाना है, उसके बाद आपको वापस से दूसरा डायपर पहनाना है। क्योंकि ये कोकोनट ऑयल या रैश क्रीम ना एज अ बैरियर काम करेगा स्किन और सुसु पॉटी के, तो आपके बेबीज़ के रैशेज के चांसेस ना बहुत कम हो जाएंगे। चौथा है कि देखिए, जब भी आप बेबीज़ के लिए रैश क्रीम चूज़ करो ना तो कोशिश करो उसमें जिंक ऑक्साइड रहे, क्योंकि जिंक ऑक्साइड से रैशेज हील होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। मैंने अपने बेबीज़ के लिए वैसे हिमालय का रैश क्रीम यूज़ किया था, ये भी बहुत अच्छा था और मेरे बेबी को इससे कोई दिक्कत नहीं हुआ था उसके स्किन के ऊपर। तो ये सब हुए कि आपको क्या करने चाहिए। अब मैं बात करूँगी कि बेबीज़ को जब रैशेज होना तो क्या नहीं करना चाहिए। पहला है कि जब बेबीज़ को रैशेज होना
तो प्लीज आप उस टाइम में अगर वाइप का यूज कर रहे हो तो प्लीज वाइप का यूज मत करियो, क्योंकि वाइप मॉइस्चर छोड़ते हैं, प्लस उसमें अल्कोहल भी होते हैं बहुत सारे वाइप्स में, तो इससे आपके बेबीज के रैशेज और बढ़ेंगे। दूसरा, उस टाइम में कोई भी सेंटेड प्रोडक्ट मत यूज करो। तीसरा, हर 2 से 3 घंटे में प्लीज डायपर चेंज करो और अच्छे क्वालिटी का डायपर यूज करो। चौथा, देखिए उस एरिया में ना पाउडर मत छिड़को। वैसे भी आपको बेबीज के लिए पाउडर नहीं छिड़कना है क्योंकि वह बहुत हार्मफुल होता है। मैं अलग से वीडियो बना के आपको समझाऊंगी कि आपको पाउडर क्यों नहीं छिड़कना है, लेकिन इस टाइम में तो बिल्कुल नहीं छिड़कना है, क्योंकि पाउडर्स में ना छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो अगर आपका बेबी इनहेल कर लेगा ना तो आपके बेबीज के बहुत सारे फेफड़ों के बहुत सारे पार्ट्स को वो डैमेज कर देगा। इसलिए छोटे बेबीज में पाउडर आपको यूज नहीं करना है। चौथा, इस टाइम में उस एरिया को ना कभी भी आप रगड़ के मत साफ करो। बहुत जेंटल वे में आपको क्लीन करना है, रगड़ना नहीं है उस पार्ट्स को। अब मैं बात करूंगी कि कौन से केसेस में आपको इमीडिएट डॉक्टर से कंसल्ट करना है। देखिए, आपने पूरा प्रिकॉशन लिया, होम रेमेडी किया, बट 2 से 3 दिन में आपका रैश ठीक नहीं हुआ, अब प्लीज इमीडिएट अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, क्योंकि ये बड़ा भी हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है आपके बेबी को। दूसरा, उस एरिया से अगर खून या पानी जैसा कुछ लीक हो रहा है ना, तब भी आपको इमीडिएट डॉक्टर को कंसल्ट करना है। तो ये मैंने आपको बताया कि कब आपको डॉक्टर को इमीडिएट कंसल्ट करना है। तो आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए मेरे मोटिवेशन के लिए। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है कि छोटे बेबीज को डायपर आपको पहनाना है या नहीं पहनाना है, पहनाने से पहले आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, आप उसको भी जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं, उससे भी आपको हेल्प मिलेगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थैंक यू।